क्या उनकी नाअहली ताहियात है, कुछ मुद्दत के लिए है या फिर पार्लियामेंट के पास जाएगी या फिर कोई और फैसला आएगा, ये आपसे कुछ देर बाद पता चल जाएगा। नाअहली की मुद्दत से मुतालिक है तमाम जो जजेस का ये फैसला, मुत्तफिका फैसला है और फैसला जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से तहरीर किया गया है। फैसले में जस्टिस अजमत सईद शेख का इजाफी नोट भी शामिल है। नाअहली उस वक्त तक मौसर रहेगी जब तक दूसरा फैसला हक में नहीं आता। अदालत का ये मौकिफ सामने आया है, अदालत का ये कहना है नाअहली उस वक्त तक मौसर रहेगी जब तक दूसरा फैसला हक में नहीं आता है। जहांगीर तरीन, नवाज शरीफ, मुस्तकबिल क्या होगा, अब ये बात सामने आनी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ताहियात नाअहली करार दे दी गई है। एक बड़ा फैसला, अहम फैसला आ गया है। आपको बताते हैं जिस फैसले का इंतजार था वो फैसला अपने नाज़रीन से शेयर करें। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ताहियात नाअहली करार दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली मुद्दत का तायुन कर दिया है और तायुन ताहियात नाअहली है। बिल्कुल, आपको ताजा तरीन अपडेट कर रहे हैं। नाअहली उस वक्त तक मौसर रहेगी जब तक दूसरा फैसला हक में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ताहियात नाअहली करा दी गई है। हसन अय्यूब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। हसन अय्यूब बताइएगा, फैसला सामने आ चुका है, ताहियात मुद्दत है नाअहली की? जी बिल्कुल, ये 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला दिया है कि नाअहली ताहियात होगी जब तक कोई फैसला इस फैसले को कलदम दाखिल, तब तक जो है 62(1)(f) तहत जो नाअहलियां हुई हैं जिन शख्सियात की, वो ताहियात नाअहल होंगे। अदालत ने 62(1)(f) के आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह कर दी है जिसके तहत अब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ वो ताहियात नाअहल हैं और सेक्रेटरी जनरल, साबिक सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ताहियात।